इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक सवाल सॉल्व करेंगे जो कि आईक्यू के पास पेपर में मार्च 2013 में आया था। सवाल कहता है कि रेप्लिका लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड मार्केट्स अ सिंगल प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट पी व्हिच आरएल प्रोक्योर्स फ्रॉम अ सप्लायर यूजिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। करेंटली कंपनी सप्लायर से यूनिट्स मंगवाती है और वो यूनिट जो है ना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर मंगवाए जाते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्राम आर एल रिकॉर्ड। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कॉम्पोनेंट की प्राइस, ऑर्डर की कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट का टोटल, नॉर्मल लीड टाइम और सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक निल है और अगर सेफ्टी स्टॉक निल होता है तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी पर होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। एज्यूम 300 वर्किंग डेज इन अ ईयर। नंबर वन, कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है ना, तो हम एक काम करते हैं कि हम अपनी एक्सेल की शीट पर पहले तो सारी इन्फॉर्मेशंस को लिख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नंबर वन, हमें कंपोनेंट की प्राइस दी हुई है, प्राइस ऑफ कंपोनेंट पता है हमें, और प्राइस ऑफ कंपोनेंट जो है वो 150 रुपये। ठीक है, अच्छा, साथ में हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट पता है, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, और ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हुई है 50 रुपये। इसके साथ साथ हमें कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट जो है ना वो बताई हुई थी 10% ऑफ परचेज प्राइस। ठीक है ना, आप अपने सामने सवाल रख सकते हो, मार्च 2013 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1B। और कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, सॉरी, होल्डिंग कॉस्ट जो है या कैरिंग कॉस्ट जो है वो 10% है परचेज प्राइस का, और 10% परचेज प्राइस का है, मतलब कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग हो गई वो आइधर हम बोल सकते हैं कि 10% है, या फिर हमें 10% लेना किसका है भाई, हमें 10% लेना है प्राइस ऑफ कंपोनेंट का। ठीक है ना, परचेज प्राइस का, तो 15 रुपीज़ है। अच्छा, और सर क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है? और हमें ये बताया हुआ है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट इन दोनों का जो टोटल होगा ना वो होगा 3000 रुपये। ये सबसे क्रूशल इन्फॉर्मेशन है सवाल की। साथ में हमें लीड टाइम बताया हुआ है। सर लीड टाइम क्या होता है, आप रिकॉल कर दें। लीड टाइम यानी कि कितने दिनों में मैं सप्लायर को ऑर्डर करूंगा और उसके बाद वो उन गुड्स की डिलीवरी करेगा। एक साल में वर्किंग डेज कितने हैं ये बताया हुआ है, 300, जिसको हमें यूज़ करना होगा अपने सवाल के पार्ट्स में। ठीक है ना, अब सबसे पहली चीज़ उसने जो हमसे पूछी है वो ई ओ क्यू या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी पूछा है, जिसका फॉर्मूला होता है 2COD/CH। 2COD का मतलब सी ओ से कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इंटू एनुअल डिमांड, डिवाइडेड बाई सी एच यानी कि होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, और ये सारी चीज़ें होती हैं अंडर रूट में। लेकिन इस सवाल का नेचर ऐसा है कि हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है जनाब, इसलिए क्योंकि हमारे पास कहीं मुझे एनुअल डिमांड नज़र नहीं आ रही। तो फिर सर हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि यार इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर, ईओक्यू पर, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट का जो टोटल होता है वो मिनिमम तो होता ही है, लेकिन ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट एक दूसरे के बराबर भी होती है। ठीक है ना, बशर्त ये कि कोई सेफ्टी स्टॉक कंपनी का हो ना, और सेफ्टी स्टॉक निल है ये सवाल में मेंशन किया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि जो 3000 रुपये मेरी कॉस्ट है ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट का टोटल, वो 2 से अगर डिवाइड कर दूँ तो मेरी 1500 रुपये की ऑर्डरिंग कॉस्ट है और 1500 रुपये की होल्डिंग कॉस्ट है। ये इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट का टोटल सेम होता है, इक्वल होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। तो 3000 के दो हिस्से 1500 1500। ठीक है ना, हाँ, अगर मेरे पास कोई सेफ्टी स्टॉक होता तो फिर ये होल्डिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा होती, लेकिन यहाँ पर कोई सेफ्टी स्टॉक है नहीं, तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर है। तो पहली चीज़ हमने ये देख लिया कि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 1500 है, हमारी होल्डिंग कॉस्ट भी 1500 है। सेकेंड चीज़, हमें कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग अ सिंगल ऑर्डर बताया हुआ है। एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट जो है ना वो 50 रुपये है और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 1500 है। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि 1500 रुपये में मैंने 50 50 रुपये वाले ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, तो पूरे साल में मैंने 30 ऑर्डर्स प्लेस किए होंगे। ये आ गया, 30 इज़ योर नंबर ऑफ ऑर्डर्स। आ गए नंबर ऑफ ऑर्डर्स, यस सर, आ गए नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब हमारी जो होल्डिंग कॉस्ट है
वो भी हम जो है ना यूज़ कर कर और ऑर्डर साइज मालूम कर सकते हैं। सर वो कैसे? देखो हमारी जो टोटल होल्डिंग कॉस्ट की वैल्यू होती है वो कैलकुलेट होती है कैसे? ऑर्डर साइज, जो भी ऑर्डर का साइज है, डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है जनाब? तो हमें पता है कि 1500 की टोटल होल्डिंग कॉस्ट है वो इक्वल होगी ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, जो कि हमने 1500 रुपये कैलकुलेट करी है। इसको ज़रा सॉल्व कर कर अगर हम लोग ऑर्डर का साइज़ मालूम करते हैं कि कितने यूनिट्स का मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, तो हमारा जवाब आएगा 200, 200 यूनिट्स का। ऑर्डर साइज इज इक्वल टू 200 यूनिट्स। ठीक है। अच्छा अभी सवाल की जो सेकेंड लाइन है उसमें अगर तुम पढ़ोगे तो लिखता है कि यूजिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कंपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर ऑर्डर्स प्लेस करती है। ठीक है ना? तो हमारा जो ईओक्यू हुआ वो ऑर्डर साइज के बराबर हुआ और ईओक्यू जो है वो हमारा 200 यूनिट्स हुआ। कंपनी 200 कर कर यूनिट्स जो है ना वो ऑर्डर कर रही है। ठीक है ना? क्योंकि ऑर्डर साइज 200 है तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी 200 ही होगा। ठीक है ना? अच्छा जनाब और क्या हम कर सकते हैं? और हम ये कर सकते हैं कि अगर किसी को इसको फॉर्मूले से भी ढूंढना है तो भाई उसके पास कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग है। ठीक है ना? कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग कितनी है? 50 रुपये। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग है, होल्डिंग कॉस्ट भी मालूम है उसको एक यूनिट की, वो कितनी है सर? वो 15 रुपये। ठीक है ना? तो फॉर्मूले में और क्या यूज़ होता है? डिमांड। साल की डिमांड कितनी होगी? साल की डिमांड मालूम इस तरह से हो सकती है कि हम पूरे साल में 30 ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं और हर ऑर्डर जो है ना वो 200 यूनिट्स का है, तो पूरी साल में जो डिमांड होगी वो 6000 यूनिट्स होगी। डिमांड आ गई, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट आ गई, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग आ गई। इसको यूज़ कर कर यानी कि 2 × कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग × एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाई होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट और ये सब अंडर रूट में जब इसको सॉल्व करोगे ऑब्वियसली यही आंसर आएगा क्योंकि ये सारी वैल्यूज उधर से ही डेराइव हुई है। ठीक है जनाब? तो ये पार्ट 1 की इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू आ गई। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो हमारा 200 यूनिट्स है। अब बोलता है री ऑर्डर लेवल ऑफ कॉम्पोनेंट पी, री ऑर्डर लेवल कितना होगा? री ऑर्डर लेवल क्या होता है? री ऑर्डर लेवल एक लेवल ऑफ क्वांटिटी है, जितने यूनिट्स मेरे पास पड़े हुए हों तो मैं ऑर्डर प्लेस करूं ताकि मैं क्या ना हो जाऊं, ताकि मेरी कंपनी को लॉस ना हो, मैं स्टॉक आउट ना हो जाऊं। ठीक है ना? अच्छा देखो मुझे पूरे साल की डिमांड पता है, मुझे पूरे साल की डिमांड बिल्कुल पता है कितनी है, 6000 यूनिट्स, और पूरे साल में जो वर्किंग डेज हैं वो हैं 300। इस हिसाब से रोज़ मुझे 20 यूनिट्स की ज़रूरत है। ठीक है ना? लीड टाइम कितना है? 12 दिन। तो मेरा जो रीऑर्डर लेवल होना चाहिए वो होना चाहिए 20 × 12 यानी कि 240 यूनिट्स। 240 यूनिट्स मेरे पास पड़े हुए हों तो मुझे ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए ताकि मैं अगर 20 यूनिट्स रोज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा सप्लायर जो है वो 12 दिन में मुझे गुड्स डिलीवर करता है, तो 240 यूनिट्स मेरे पास हों जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसके बाद वो गुड्स डिलीवर कर दे मुझे और मेरे पास वो गुड्स आ जाएँ। ठीक है जनाब? तो पार्ट नंबर 1 का आंसर हो गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी 200 यूनिट्स, रीऑर्डर लेवल ऑफ कंपोनेंट पी 240 यूनिट्स। अब आते हैं हम पार्ट 2 पर। पार्ट 2 बोलता है व्हाट विल बी योर एडवाइस टू द कंपनी इफ द सप्लायर ऑफर्स अ 2% प्राइस, 2% प्राइस डिस्काउंट ऑन परचेज इन लॉट्स ऑफ 300 कंपोनेंट्स। अगर 3-3 हज़ार कंपोनेंट्स कर कर मंगवाए जाएं तो फिर क्या हमें 3-3 हज़ार कंपोनेंट्स कर कर कंपोनेंट्स मंगवाने चाहिए, या हम करंटली जिस तरह से कंपोनेंट्स मंगवा रहे हैं यानी कि 200 200 यूनिट्स इसी तरह हमें करना चाहिए। ठीक है ना? तो ये एक डिसीजन मेकिंग सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। देखो करंटली कंपनी क्या कर रही है? सर करंटली कंपनी ईओक्यू पर ऑर्डर्स प्लेस कर रही है और ईओक्यू का मतलब यह है कि कंपनी 200 यूनिट्स जो है ना वो एक वक्त पे मंगवाती है। कंपनी की होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का टोटल एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना है? सर वो अभी हम जो है ना टोटल 3000 रुपये पे कर रहे हैं, सवाल में लिखा हुआ, और साथ में परचेज प्राइस कितनी होगी, कितने के गुड्स जो है ना वो मैं ख़रीदता हूँ। सर मुझे पूरे साल में 6000 यूनिट्स चाहिए होते हैं और एक यूनिट 150 रुपये का आता है, यानी कि मैं 6000 × 150
इतने रुपए की परचेज कॉस्ट पे करता हूँ, तो मेरी इन्वेंट्री से रिलेवेंट जो खर्चे हैं सारी कॉस्ट है वो 903,000 है। ये करंट खर्चे हैं मेरे, इसमें होल्डिंग कॉस्ट भी है, इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट भी है और इसमें परचेज कॉस्ट भी है, ठीक है ना। एक और कॉस्ट जो स्टॉक के साथ एसोसिएटेड होती है जो क्लास में डिस्कस करी गई है वो क्या होती है, स्टॉक से रिलेवेंट चार तरह की कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक आउट कॉस्ट का जिक्र इस सवाल में कहीं पे भी नहीं है। तो हमारी करंट हम जो खर्चा कर रहे हैं वो 9,03,000 है। अच्छा, अगर हम सप्लायर की बात मानते हैं और हम डिस्काउंट ऑप्टेन करने की कोशिश करते हैं तो फिर हम डिस्काउंट लेवल के लिए क्या करेंगे, हम 3,000 यूनिट्स जो है ना एक साथ ऑर्डर करेंगे, ठीक है। अगर हम 3,000 यूनिट्स कर कर यूनिट्स मंगवाएंगे तो हमें पूरे साल में तो 6,000 यूनिट्स चाहिए, और अगर हम 3,000 कर कर यूनिट्स मंगवाते हैं तो हमें दो बार ऑर्डर्स प्लेस करने होंगे, तो हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी क्योंकि हम दो बार ऑर्डर्स प्लेस करेंगे तो वो होगी 2x50, यानी कि सिर्फ 100 रुपये हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट के पे करने होंगे। करेंटली हम लोग 1,500 कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट किस तरह से आएगी, अगर मैं 3,000 यूनिट्स के ऑर्डर्स प्लेस करूंगा तो मेरी एवरेज स्टॉक की वैल्यू होगी 3,000 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 1,500, 1,500 मेरी जो है ना एवरेज स्टॉक की वैल्यू हो गई मल्टीप्लाइड बाई होल्डिंग कॉस्ट। कैलकुलेट कैसे होती थी, होल्डिंग कॉस्ट थी 10% परचेज प्राइस का। अब परचेज प्राइस भी कम हो रही है, क्यों कम हो रही है, क्योंकि वो 2% डिस्काउंट दे रहा है, तो मेरी परचेज प्राइस होगी 150 नॉर्मल प्राइस थी मल्टीप्लाइड बाई 98%, इससे क्या आई, परचेज प्राइस आई मल्टीप्लाइड बाई 10%, क्योंकि 25 प्राइस का 10% मेरी होल्डिंग कॉस्ट है। तो ये इक्वेशन बन जाता है हमारा पूरा का पूरा, 3,000 के ऑर्डर्स प्लेस करूंगा तो एवरेज इन्वेंट्री 1,500 हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाई 150 इंटू 0.98 इंटू 0.1, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो बनेगा 22,050, ठीक है। करंटली हम कितने होल्डिंग कॉस्ट के पे कर रहे थे, वो भी हम 1,500 कर रहे थे। जब ऑर्डर साइज इंक्रीज होता है तो हमारे पास ज़्यादा इन्वेंट्री होती है, ज़्यादा इन्वेंट्री होती है तो होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा परचेज कॉस्ट कितनी होगी, पूरे साल में तो मुझे 6,000 यूनिट्स ही चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं है, और एक यूनिट अब 150 का नहीं आ रहा बल्कि 150 के 98% का आ रहा है, तो मेरी जो परचेज प्राइस होगी अगर आप 6,000 का 150 इंटू 0.98 करते हो तो वो आएगा 882,000, यानी कि अगर मैं सप्लायर की बात मानकर ऑर्डर्स प्लेस करता हूँ तो 904,150 रुपीज़, ठीक है। मेरे ख्याल में ये वैल्यू ज़्यादा है और ईओ क्यू वाली वैल्यू कंपैरेटिवली 1,150 रुपीज़ कम है, तो हमें ईओ क्यू पर ही ऑर्डर्स प्लेस करने चाहिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बेटर है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमारी टोटल कॉस्ट इन्वेंट्री से पर्टेनिंग जितनी भी है वो कम से कम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी की कुछ और बेसिक वीडियोज़ भी अपलोड करी है और इंशाल्लाह आज मैं मज़ीद पास पेपर्स भी अपलोड करूँगा। थैंक यू।